प्रेम गीत फाइनली रिलीज हो चुके हैं आज, और आज चैनल पर दो वीडियो आ रही है। और यार तुम लोग चैनल पर सपोर्ट नहीं दिखा रहे, तो भाई प्लीज़ यार चैनल पर सपोर्ट दिखाओ और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। अगर तुम लोग नए हो चैनल पर तो जल्दी से बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज है नेशनल सिनेमा डे, जिसकी वजह से तुम कोई सी भी पिक्चर देख लो वो 75 रुपये का उसका टिकट मिलेगा। और 75 रुपये के हिसाब से ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी यार। लेकिन थोड़ा सा अगर इसमें हम थोड़ा सा क्रिटिक्स की बात करें कि जो प्रेम गीत 3 के यार जितना हम ट्रेलर देख कर हाइप हो रहे थे, उतना इसमें हाइप होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो अगर हम इसमें बात करें कि स्टोरी की, तो इसमें एक रोमांटिक एंशंट स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। जिससे राजा बनना होता है वो राजा नहीं बनता, उसको राजा की जगह प्यार मिल जाता है। और उसकी इस गलती की वजह से उसके आदमी और उसकी सल्तनत पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ये इस मूवी में दिखाया। और जो इसमें एक एंशंट टाइप वाली स्टोरी जो दिखाई है वो तुम्हें बहुत ही अच्छी लगेगी यार। थोड़े जो कपड़े हैं, सीन, वो सब बहुत ही अच्छे तरीके से कर रखे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करना। हाँ, अगर हम इसके थोड़े से फाइट सीक्वेंस की बात करें तो वो कहीं कहीं पर उसकी सिनेमाटोग्राफी अच्छी नहीं की गई है। कहीं कहीं पर फाइटिंग सीक्वेंस अच्छा है, जैसे कि जब वो आइस में शूट होती है तो फाइटिंग सीक्वेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी। मैं इस मूवी को देख रहा था तो मुझे पता नहीं क्यों मगध हीरा की फीलिंग आ रही थी, कि मगध हीरा जैसे मैं मूवी देख रहा हूँ। मुझे पता नहीं क्यों मगध हीरा की वाइब्स आ रही थी। और भाई इसकी जो डायरेक्टरशिप भी है वो भी थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ तो वो उतने अच्छे लेवल की नहीं है, बट हालांकि वो अच्छी लगती है देखने में। क्योंकि अगर हम बात करें कि इसका बजट, जिस बजट के हिसाब से देखोगे तो उस बजट के हिसाब से वो डायरेक्टरशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और वहाँ इसके कपड़े अच्छे हैं, एक्टिंग्स तो दोनों ने अच्छी की है। इसके जो मैंने VFX के बारे में आपको बताया था, रियल प्लेसेस जो यूज़ किए हैं वो मूवी में अलग ही पता चल जाते हैं। 2 घंटे की ये मूवी और तुम्हें कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये मूवी तुमको बोर कर रही है। पूरी इंजॉयबल मूवी है। थोड़ी सी एंशेंट वाली जो स्टोरी बना देते हैं, हालांकि ऐसी मूवीज़ पहले भी आ चुकी हैं। मैंने को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था मैं ऐसी मूवीज़ के लिए, बट ऐसी मूवी पहले भी आ चुकी है। और कुल मिला जुला करके अगर बात की जाए तो ये मूवी एंजॉयबल है और आप इसको थिएटर में जाके इंजॉय कर सकते हो। और ये एक बिल्कुल फ़न वाली मूवी होगी जिसको आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। तो भाई आज एक तो सिनेमा डे की वजह से कोई सी भी तुम पिक्चर देखो, 75 रुपये में तुम्हें टिकट मिल रहा था, चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो, चाहे वो चुप हो, चाहे वो धोखा हो, चाहे वो प्रेम गीत हो, 75 रुपये के हिसाब से मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।